नमस्कार दोस्तों, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। महिलाएं शॉपिंग करने जाती हैं या मार्केट में जाती हैं, अचानक उनके गले में जो मंगलसूत्र होता है गायब हो जाता है, जिसे हम झपटमारी कहते हैं। पुराने कानून में झपटमारी पर ऐसा कोई भी पनिशमेंट नहीं था, लेकिन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 304 में झपटमारी को पनिशमेंट माना गया है। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 304 कहता है, किसी व्यक्ति से अचानक शीघ्रता या बलपूर्वक से संपत्ति को लिया जाता है, किसी चीज वस्तु को छीन लिया जाता है, उसे दंड दिया जाएगा। यानी ये नामक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा है या मार्केट में, और अचानक कोई व्यक्ति आता है और उसके गले में जो चैन होता है उसको छीन कर भाग जाता है, या उसके सामने कोई व्यक्ति है और शीघ्रता से उसके चैन को खींचा और भाग जाता है, या ये नामक व्यक्ति मार्केट में घूम रहा है, रोड पर घूम रहा है और उससे जो वस्तु उसके हाथ में मोबाइल है और उसको जबरदस्ती छीन के भागने लगता है, उसे 304 के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 304 के 2 में 3 वर्ष तक के दंड का प्रावधान किया गया है और जुर्माने से दंडित किया गया है। किसी व्यक्ति के साथ झपटमारी का मामला होता है, अपराध होता है, तत्काल वो पुलिस थाने जाकर मामले को दर्ज कराएगा। पुलिस मामले को दर्ज करेगी, 14 दिन तक जांच पड़ताल करेगी, उसको लगेगा कि ये मामला सच है तो 14 दिन के अंदर में FIR दर्ज करना होगा, और जिस पे भी शक होगा या जिस व्यक्ति की संपत्ति को झपट मार लेकर गया है और वह व्यक्ति उसको जानता है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस तत्काल गिरफ्तार करेगी और उसको जेल भेजेगी। यानी धारा 304 जो है संज्ञेय और अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। मामले भी जल्दी से दर्ज करेंगे और पुलिस जमानत नहीं देगा, ऐसे जमानत के लिए कोर्ट में ही जाना होगा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि झपटमारी को समझने में आपको आसानी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मुझसे बात करना है तो आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ के बात कर सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।